हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीजे ब्लॉग। आज हम लोग आए हुए हैं गंगा जी के किनारे पिकनिक मनाने के लिए। आइए हम आप लोगों को गंगा जी के दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं गंगा जी के बाढ़ के बाद गंगा जी की क्या स्थिति है, किस तरीके से गंगा जी हैं। ये देखिए हमारे पीछे गंगा जी का किनारा और इस तरफ ये दुर्वासा ऋषि आश्रम। दुर्वासा ऋषि आश्रम है यहाँ पर पास में और ये गंगा जी हैं। चलिए आपको लेके चलते हैं गंगा जी के किनारे। ये देखिए गंगा जी का किनारा। ये शाम का समय है, इस समय बज रहे हैं शाम के 5:30। ये देखिए इस तरफ से गंगा जी आई हुई है और किनारे किनारे बाबा जी लोगों की कुटिया है, उनका आश्रम है। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। पहले गंगा जी काफी दूर थे लेकिन अब ये जैसे जैसे बाढ़ आई है तो बाढ़ की वजह से ये कटाव होने के कारण गंगा जी इस तरफ बढ़ आई हैं। आप देख सकते हैं कौआ प्रसाद का टुकड़ा मुंह में दबाए हुए। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं शाम को घूमने के लिए, बहुत ही अच्छा लगता है, काफी सुकून है, शांति है यहाँ पर। वो देखिए सामने कुछ लोग आए हैं वो मछलियों को आटा खिलाने के लिए। आप देख सकते हैं ये मछलियों को आटा खिला रहे हैं। घूम रही है वहां पर, देखिए नाव भी है। अगर कोई गंगा जी में जब घूमना चाहता है तो वो नाव से भी घूम सकता है। दोस्तों अभी आपने मेरे दूसरे ब्लॉग में देखा होगा कि शाह जी की विश्रांतें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से सूर्य की रोशनी एकदम कैमरे पे सीधी पड़ रही है, इस वजह से शायद साफ नहीं आ रहा होगा, ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा। जिस एकदम सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर शाह जी की विश्रांतें हैं जो हमारे दूसरे ब्लॉग में हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। और इस तरफ इसके थोड़ा सा इधर आएंगे लेफ्ट में, यहाँ पर ये है भैरव घाट मंदिर। यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं ये है भैरव घाट मंदिर। ये भैरव घाट मंदिर का भी ब्लॉग है हमारे चैनल पे, आप देख सकते हैं उसको भी। अगर आप भैरव घाट मंदिर को देखना चाहते हैं तो आप उस ब्लॉग में देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग शाम को घूमने के लिए आते हैं, आप देख सकते हैं बाइक से आते हैं, गाड़ियों से, और नहाते हैं यहाँ पर, समय बिताते हैं। ये चलते हैं देखते हैं पिकनिक के लिए क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं। ये विनायक जी सो रहे हैं, मम्मी पापा बैठे हुए हैं, थालियाँ सबकी लग गई हैं। वाह रसगुल्ले, क्या क्या बनाया गया है इसमें, रायता है, कोफ्ते की सब्जी है, चावल है, सलाद है, गुलाब जामुन है, बढ़िया है। ये कैंपर है ठंडे पानी का, जब भी हम कहीं भी बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो अपना कैंपर ठंडे पानी का भर के लेके जाते हैं घर से, जिससे कि कहीं रास्ते में कहीं भी पानी पीने के लिए प्रॉब्लम ना आए कोई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।